हेलो गाइस, मैं हूं आपका दोस्त अमन मीणा। आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल टेक्नोफेक न्यूज़ पे। टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हाँ तो गाइस, आज हम कंपैरिजन करने वाले हैं iQOO 3 और Realme X 15 Pro के बीच, और दोनों ही फ़ोन 5G हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हाँ तो गाइस, अगर डिस्प्ले की बात करें तो दोनों ही फ़ोन में 6.4 इंच का फुल HD प्लस सुपर एमोलेड डिस्प्ले होने वाला है, पर iQOO में 16 हर्ट्ज का डिस्प्ले है और कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 6 की प्रोटेक्शन है। वहीं अगर Realme X Pro की बात करें तो 90 हर्ट्ज का डिस्प्ले और कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन है। अब अगर कैमरा डिपार्टमेंट की बात करें तो दोनों में ही क्वाड रियर कैमरा सेटअप है। iQOO 3 के बारे में बात करें तो 48 मेगापिक्सल प्लस 13 मेगापिक्सल प्लस 13 मेगापिक्सल प्लस 2 मेगापिक्सल का क्वाड रियर कैमरा सेटअप है। वहीं अगर Realme X 15 Pro की बात करें तो 64 मेगापिक्सल प्लस 12 मेगापिक्सल प्लस 8 मेगापिक्सल प्लस 2 मेगापिक्सल का क्वाड रियर कैमरा सेटअप है। फ्रंट कैमरे की बात करें तो iQOO में होने वाला 16 मेगापिक्सल का फ्रंट फेसिंग कैमरा। Realme X 15 Pro की बात करें तो इसमें होने वाला है डुअल पंच होल डिज़ाइन कैमरा, 32 प्लस 8 मेगापिक्सल फ्रंट फेसिंग कैमरा। अब अगर हम बैटरियों की बात करें तो दोनों ही बैटरियों में ज़्यादा अंतर नहीं है, पर चार्जिंग का बहुत ज़्यादा अंतर है। iQOO 3 की बैटरी की बात करें तो 4400 mAh बैटरी है, 55 वोट की फास्ट चार्जिंग है। वहीं अगर Realme X 50 Pro की बात करें तो 4200 mAh की बैटरी है, 65 वोल्ट की फास्ट चार्जिंग है। दोनों ही फ़ोन्स की चार्जिंग में बहुत बड़ा अंतर है, पर कंपनी बोलती है 35 मिनट में यह मोबाइल फुल चार्ज हो जाएंगे, पर अब देखने वाली बात है कि यह सब अब कैसे होता है। अब अगर इन दोनों फ़ोन के प्रोसेसर की बात करें तो इन दोनों फ़ोन्स में ही होने वाला है Qualcomm Snapdragon 865 प्रोसेसर। वहीं अगर दोनों के एंटूटू स्कोर की बात की जाए तो iQOO 3 का एंटूटू स्कोर है 610,576। वहीं अगर बात करें X 15 Pro की तो यह 600,000 पर ही है। रैम की बात करें तो iQOO में होने वाला है 12 GB LPDDR5 रैम, 256 GB UFS 3.1 स्टोरेज। वहीं अगर Realme X 50 Pro की बात करें तो इसमें होने वाली है 6 GB, 8 GB और 12 GB की LPDDR5 रैम, 128 GB और 256 GB की UFS 3.0 स्टोरेज। और प्राइस की बात करें तो आपके स्क्रीन पे ये रही प्राइस। और आप सभी से निवेदन है कि अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल इसी तरीके के वीडियो देखने के लिए।